तो ये 10 किलोमीटर 50 मिनट्स में खत्म करेंगे, ये 1 घंटे में खत्म करेंगे, 1 घंटे 10 मिनट में खत्म करेंगे, और ये कैसा है यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम और पटना हाफ मैराथन। ये सामने अंदर ये ही है वो ज्ञान भवन, जिसके अंदर ज्ञान भवन के अंदर ही VIP जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको VIP दिया जा रहा है। तो अपना VIP नंबर लेके जाएं, वहाँ पर लिखाएं और काउंटर पर सारा जो आपको VIP किट है वो आपको दे दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बने रहें और आपको हम अंदर चल कर दिखाएँगे क्या क्या है अंदर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं सफरनामा ब्लॉग्स। तो अभी हम आए हैं पटना का ज्ञान भवन में और यहाँ पर पटना हाफ मैराथन का VIP डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये कल और आज था, आज लास्ट डे है VIP कलेक्शन करने का। अगर आप मैराथन में पार्टिसिपेट किए हैं तो आप यहाँ आकर VIP कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे फ्लैग्स बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए पीस वॉल, जिन्होंने लास्ट टाइम जो टॉप किया था पटना हाफ मैराथन में वो सारा दिखाया गया है। ये 10 किलोमीटर का मैप है इसी रूट पे, और 10 किलोमीटर का जो रनर है वो रनिंग करेंगे। आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं और यहाँ पे आई एम रनिंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। और इधर साइड घुमाते हैं तो यहाँ पर देखिए वहाँ सेल्फी पॉइंट है सामने, और वही सेम बॉल लगा हुआ है यहाँ पर। 21 किलोमीटर का वो मैप है, इस मैप को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है 21 किलोमीटर का कैसे कैसे। और ये स्टार्ट हुआ गेट नंबर 1 गांधी मैदान से होते हुए लोकनायक गंगा पथ से आगे तक वो जाएगा और नीचे SK पुरी पार्क के तक जाएगा, वहाँ से फिर रिटर्न उसी लोकनायक गंगा पथ से वापस आएगा। तो ये है कुछ बाहर का ऐसा वहाँ पे, और आप हमको और हम आपको अंदर ले चलते हैं। अंदर आप देखिए वो है एंट्री पॉइंट, तो चलते हैं अंदर। ये यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और ये है पार्किंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप गाड़ी से आते हैं कल तो ये गेट नंबर 5 के पास पार्किंग किया जाएगा गाड़ी को, और ये है अंदर। सबसे पहले यहाँ पर ICIC का स्टॉल लगा हुआ है और आगे है अलग अलग यहाँ पे स्टॉल है, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ये ब्लूक्स एंड गैरमेन का है, फास्ट एंड अप, ये रनिंग के दौरान जो सप्लीमेंट लिया जाता है वो है सारा। यहाँ पर एडिडास का है, यहाँ पर ट्रैक सूट टी शर्ट वगैरह सब मिल रहा है। ये है MI का स्टॉक, यहाँ से आप MI का गैजेट ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, बैग वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, तो एक रिजनेबल डिस्काउंट पे यहाँ पर मिल रहा है। यह है ब्रोस का स्टॉक, यहाँ पर शूज़ है। तो 1 बाय 1 करके आपको सारे स्टॉल को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पटना हाफ मैराथन का VIP कलेक्शन स्टॉल है, यहाँ से आप VIP कलेक्ट कर सकते हैं। ये लोग सारे VIP यहाँ पर दे रहे हैं। और ये हाफ मैराथन का है, ये 10 किलोमीटर का है, आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर का यहाँ और वहाँ दोनों जगह है। तो 10 किलोमीटर में जिसने पार्टिसिपेट किया हो यहाँ से VIP आप कलेक्ट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं आप, यहाँ पर 5 किलोमीटर का VIP कलेक्शन है, तो जिन्होंने 5 किलोमीटर का लिया है तो आप यहां से आके VIP कलेक्ट कर सकते हैं। और ये है अगला है 5 किलोमीटर का एक और स्टॉल है, और वो है बल्क, और जिनको जिसे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया तो बल्क में सारा VIP कलेक्ट करना है तो आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। और ये है मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का काउंटर, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है आप ये देख सकते हैं। जैसे कि बिहार में कोहल बैन है तो उसी को अवेयरनेस के लिए रनिंग किया जा रहा है। और यह जीविका का स्टॉल है, यहाँ पर एक्सिस बैंक, नॉइस का स्टॉल है, यहाँ पर नॉइस के गैजेट्स आपको मिल जाएंगे, एयरपोर्ट्स वॉच नेकबैंड वगैरह रिजनेबल प्राइस पे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन से भी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। ये है बोट का स्टॉल, यहाँ पर आप बोट का भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ बोट के गैजेट्स है, तो आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं।
पर है नॉइस, ये नॉइस के नेकमेंट्स है, वॉच है और एयरपोर्ट्स वगैरह सारे हैं। तो आगे से आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉल है और यहाँ पर है न्यू दिल्ली मैराथन, न्यू दिल्ली हाफ मैराथन, जो इसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है और ये 26 फरवरी 2023 को होने वाला है। तो आप यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर दिल्ली मैराथन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। और ये रहा रेस डिटेल, वेन्यू है गांधी मैदान पटना और पार्किंग गेट नंबर है 5 12, पार्टिसिपेट एंट्री है 4 नंबर 12 नंबर गेट से, हाफ मैराथन 5:30 बजे, 3 किलोमीटर 6:45 एंड 5 किलोमीटर 7:45। तो ये सारे डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने अभी अपना BIV नहीं कलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर जल्दी से कलेक्ट कर लें, ये आज बने। यहाँ पर कोलकाता हाफ मैराथन जो 5 फरवरी को ये होने जा रहा है, इसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप कोलकाता से हैं तो आप अपने शहर का हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है BIV वेरीफिकेशन, जो आप BIV वहाँ से लीजिएगा तो यहाँ पर आकर आपको वेरीफाई करवाना होगा BIV को, बिना वेरीफाई किए आप नहीं जा सकते। और कुछ हाँ, बस इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में बने रहिए, मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको वन बाई वन स्टॉल मैंने आपको दिया है। और ये है सामने रन फॉर नशा मुक्त बिहार, यहाँ पर देख सकते हैं हीमा दास अर्जुना अवार्ड, ब्रांड एम्बेसडर है पटना हाफ मैराथन की, और अंजू बॉबी जॉर्ज ओलंपियन है वो, उनको भी आप देख सकते हैं। ये रहा यहाँ पर सेल्फी पॉइंट, ये पटना हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर का मेडल है, इसमें आपको दिख रहा होगा हो रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, सारा इन्फॉर्मेशन वन बाई वन मैंने दे दिया है, आप जल्दी से आइए और यहाँ पर अपना BIV कलेक्ट कर लीजिए। और जी हाँ, रनिंग है कल 27 नवंबर संडे, गांधी मैदान गेट नंबर 1 से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। तो अपने अपने जो भी आपने 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया है तो आइए और दौड़िए पटना के लिए, नशा मुक्त बिहार के लिए। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि बाकी लोग तक पहुंच सके और वो अपना BIV कलेक्शन करने आ जाए। तो BIV में क्या मिला है इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया है तो BIV में मुझे मिला है ये एक बैग है, देख सकते हैं इस बैग के अंदर एक टी शर्ट है और वो BIV नंबर है। यहाँ से आप देख सकते हैं BIV नंबर मुझे ऐसा मिला है, ये रहा मेरा BIV नंबर विशाल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल मैं आपको मिलूँगा फिर से पटना हाफ मैराथन के रनिंग ट्रैक पे कल सुबह, और वीडियो मैं जल्द से जल्द। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सारे स्टॉल की जानकारी मैंने दे दी है, तो आप आइए और अपना BIV कलेक्ट करके और कल रनिंग के लिए तैयार होइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।